अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपको शाही रेस वर्ल्ड की तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा वेलकम। आज मैंने सोचा शाही टुकड़े बनाऊँ, वो भी अपने स्टाइल से। चले स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, मैंने दूध को बॉयल कर लिया था और उसको एक दो दफ़ा कुक कर लिया था। बहुत अच्छा ओंटा हुआ दूध होना चाहिए। दो कप हम दूध लेंगे। 5 ब्रेड लिया है मैंने और कुछ मैंने मावा लिया है, उसको कद्दूकश कर लिया था। और मैंने 3 इलायची ली है। 1/2 कप मैंने शुगर लिया है। 1/2 कप मैं पानी लूँगी और 2 चुटकी ज़ाफ़रान लूँगी और हल्के गुलाबरी ऐड करूँगी। और ड्राई फ्रूट में काजू है, बादाम है, पिस्ते हैं, अखरोट है, ये सब मैं ऐड करूँगी और चांदनी कवर। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने फ्लेम के ऊपर, मैंने चूल्हे के ऊपर पतीली रखी, उसमें 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। और इसी में मैं 2 पिंच ज़ाफ़रान के ऐड करूँगी और फ्यू ड्रॉप में अरके गुलाब ऐड करूँगी। और अब एक दूसरी पतीली में 1/2 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ और 1/2 कप मैं शुगर ऐड करके इसकी चाशनी बनाऊंगी। और उसमें 3 से 4 इलायची भी डालूंगी और इसी तरह इसको मीडियम फ्लेम पे उसको मैं कुक करूंगी ताकि इसकी चाशनी मैं रेडी कर सकूं। प्लीज़ आगे देखिए। अच्छा जी, अब मैंने ब्रेड लिया और इसको चारों तरफ से मैं कट नहीं कर लूँगी और उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। जो कट करी हुई ब्रेड है उसको मैं ब्रेड क्रम्स रेडी कर लूँगी। अच्छा जी, अब मैं इसको ट्रायंगल शेप दूँगी और फिर उसके बाद मैं आगे इसको फ्राई करूँगी। ब्रेड एक तरफ हम ये काम करेंगे। इसी तरह मैं तमाम ब्रेड को इसी तरह कट करके एक साइड में कर दूंगी। समझें इसके अपना शाही टुकड़े बनाने के 3 से 4 स्टेप्स होते हैं कि एक तरफ हम उसकी रबड़ी बनाते हैं, एक तरफ शीरा बनाते हैं, एक तरह हम ब्रेड कट करके इसको फ्राई करते हैं। प्लीज़ आगे देखिए। चाशनी को मैं वक्फे से इसको चला के चेक कर रही हूँ। बस चाशनी तैयार करना है, ये नहीं कि तार आने लगे वरना वो बिल्कुल चिपक जाएगा। बहुत अच्छी तरह मुझे इसकी चाशनी रेडी करनी है। एक तरफ मैं अपनी जो ये मिल्क चढ़ाया हुआ था उसको किनारे से साइडों से अपना मलाई निकालती रहूँगी ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। 100% रबड़ी नहीं लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अच्छा जी, फ्राइंग पैन पे मैंने घी ऐड किया क्योंकि शाही है भाई, उसको घी में ही मीठा, मैं हर चीज़ मीठा जो है घी में ही बनाती हूँ स्वीट डिश। और उसको डीप फ्राई करेंगे गोल्डन दोनों तरफ से और फिर मैं इसको निकाल के आपको आगे दिखाऊंगी। और अब लीव करें, बहुत मज़ा आ रहा है इसको बनाने में। नो डाउट थोड़ा टाइम और वो लग रहा है, लेकिन मेहनत लग रही है, लेकिन आपकी खातिर इंशाल्लाह ताला मुझे बनाना है। बस आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मेरी मेहनत के लिए दुआ करें कि मैं और सेहत तंदुरुस्ती के साथ मेहनत करती रहूँ। और प्लीज़ आगे आप ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए। मैं 1 by 1 करके इसको डीप फ्राई करके गोल्डन होने तक उसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और फिर आपको आगे दिखाऊँगी कि ऑल मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है और फिर मैं आगे उस चाशनी में डिप करूँगी। अच्छा जी, मैंने अपनी तमाम टोस्ट जो है अपने शीरे में जो एक प्लेट में निकाल लिया था उसमें डिप किया और अब मैंने जो रबड़ी वाली पतीली बनाई थी तो मैं उसमें
मावा ऐड करके उसको अच्छी तरह चला रही हूँ। अब ये मैं सारे ब्रेड के ऊपर, पहले मैंने शीरा ऐड कर चुकी हूँ और अब मैं ये जो मिल्क तैयार किया है रबड़ी और मलाई के साथ, अब मैं इस पे पूरा सजावट के तौर पे डाल दूँगी ताकि ये जब्स करे। आप चाहें तो इसको ठंडा भी खा सकते हैं, गर्म भी खा सकते हैं, एज़ यू लाइक। और अब मैं चांदी के वर्क ऐड करूँगी, फिर सारे ड्राई फ्रूट है जैसे काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, ये सब मैं सजावट के तौर पे ऐड करूँगी। बिलीव मी बहुत यमी के साथ साथ खूबसूरत लग रहा है, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली शाही टुकड़े रेडी है। आप यकीन करें, बिलीव मी, बहुत यमी और टेस्टी बनता है और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और वाकई ये बहुत अहतमाम और बहुत मेहनत से ये बनती है। और इस शाही टुकड़े में तो ख़ास बात ये है कि आप इसको जब चाहें गर्म भी खा लें और जब चाहे आप चली ठंडा करके भी खा सकते हैं। यकीन करें बहुत इन्जॉय करेंगे। इसी तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, आप उधर गुजर करें और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।